देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई ने विकास दर का अनुमान 6.1% के पिछले अनुमान से घटाकर 5% कर दिया है। हाल ही में आई तमाम रेटिंग एजेंसियों के रिपोर्ट्स में भी 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी दर को 5% के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने भारत की विकास दर का अनुमान 5.8% लगाया है। OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, इसमें 36 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के मकसद से हुई थी। OECD ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक रफ्तार में कमी 2018 के मध्य से होनी शुरू हुई थी। ये निजी खपत में तेजी से आई कमी को जाहिर करता है। OECD के मुताबिक कई साल तक तेज विकास दर के बाद 2019 में GDP दर 5.8% तक गिरेगी और फिर ये तेजी पकड़ेगी। 2020 में इसके 6.2% और 2021 में 6.4% तक जाने का अनुमान लगाया गया है। अगले साल की पहली छमाही के लिए RBI ने भी अपने अनुमान में कुछ इसी तरह की तेजी आने का भरोसा जताया था। रियल GDP ग्रोथ फॉर 1920 इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम 6.1% इन द अक्टूबर पॉलिसी टू 5%, दैट इज 4.9 to 5.5% in H2 and 5.9 to 6.3% for H1 of 2021. OECD ने अपने सर्वे में तेज विकास दर और नौकरियों को बढ़ाने के लिए निवेश और निर्यात में तेजी लाने की जरूरत बताई है। इसके लिए OECD ने बुनियादी सुधारों की स्पीड बढ़ाने की बात कही है। हाल ही में वित्त मंत्री ने भी सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखने का भरोसा दिया था। That this country is moving towards relaxing the environment for businesses to prosper. With all this said, I only can invite and assure that the government of India is committed for further reforms, whether it is in banking sector, we're looking at various different sectors, whether it is mining, whether it is insurance and so on. These are times when in India a lot of prospects exist. It's a greater engagement between the business communities which can bring in that kind of a understanding between the two. OECD के रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी आधारभूत संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए भारत को कुछ और कदम उठाने होंगे। इनमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और सड़कों का निर्माण करना शामिल है। OECD ने कहा है कि सेवा व्यापार प्रतिबंधों में कटौती होने से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा।